अब हम बात कर रहे हैं लियो सिंह राशि वालों के लिए जून 2022 का राशिफल है और हम अपने चैनल पर आराम से बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बताते, आराम से बात करते हैं। आपके लिए कैप्शन लिखा गया है, आपको देखकर किसी की आंखों में हजारों ख्वाब आ गए लेकिन वो शायद आपकी कहानी में पात्र भी नहीं है और कुछ भी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ की, एजुकेशन की, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल एंड अंत में जो है इस कैप्शन की बात जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारा ये जो आज का वीडियो है इसके स्पॉन्सर हैं artscrafted.com जो कि एक ज्वेलरी की साइट है, हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड ज्वेलरी की साइट है। उन्होंने ये आज का वीडियो जो है ये स्पॉन्सर किया है और इनकी साइट पर आपको बहुत सारे ये हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड जो है ज्वेलरी मिल जाएंगी, इनको आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हो और वहाँ पर सेल भी लगी हुई है जहाँ पर आप ये शानदार प्रोडक्ट सब खरीद सकते हो। साइट का नाम है, साइट की जो एड्रेस है वो artscrafted.com, जाके जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो की बात करते हैं। ओके, तो भाई आपको देखकर अब ये जो है बात करते हैं हम यहाँ पर आपके हेल्थ के सेक्शन से शुरू करते हैं। देखो भाई, सिंह राशि वालों, जहाँ तक एक नियम की बात है या जहाँ तक एक नियमित तौर पे कुछ काम करने की बात है तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन के बिल्कुल पक्के हो। आपका जो जिमिंग का या जो बॉडी बिल्डिंग की जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं या जिस तरीके से अपने आपको फिट रखते हो वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है और उसको आप जारी रखेंगे आप इस महीना, ठीक है। डिस्पाइट गर्मी का महीना होने के बावजूद भी आप अपने जो है दिनचर्या में कुछ ना कुछ शेड्यूल चेंज आप लेकर के आएंगे जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए आपके एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई के मामले की। कई बार ऐसा देखा गया है कि लियो सिंह राशि वाले मटेरियल प्लेन पर काम करते हैं, यानी कि वो इमोशनल चीज़ों की तरफ उतना नहीं उनका झुकाव होता है, बट एक मटेरियल प्लेन की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव देखा गया है। पढ़ाई लिखाई से कई बार जो विमुख हो जाते हैं और कई बार देखा गया है कि वो किसी और चीज़ों में, या आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, या आपका मार्शल आर्ट्स हो गए, इनमें करियर बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो आपकी मेन स्ट्रीम की पढ़ाई है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इस महीना विशेष तौर पर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए करियर, कि करियर पे क्या हो रहा है। कार्यस्थल पर आपके लिए चीजें ठीक ठाक तौर पर बनी हुई है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस हमको नजर नहीं आता है, लेकिन लगता है कि आपको दूसरी चीज ये लगता है कि आपने शायद बहुत लंबे समय से आप किसी कंपनी में हैं और वहां पर जो है आपने चेंज नहीं किया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है, सिंह राशि के लोगों को भी, जो 17-17, 18-18 साल से एक ही कंपनी के अंदर हैं या एक ही तरह के जॉब के अंदर हैं। मैं उनसे हमेशा पूछता हूं कि भाई इतना लंबा करियर जो है एक कंपनी के अंदर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन शायद लोगों को ग्रोथ नहीं मिलती उतनी। लेकिन आपके लिए भी ये है कि अगर आप चेंज करना चाहें तो एक बढ़िया समय जरूर है और यहाँ पर सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपके एग्जिस्टिंग जॉब पर भी और आपके नए वाले जॉब पर भी। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए फाइनेंस का मामला, कि रुपए पैसे के मामले में क्या हो रहा है। तो रुपए पैसे के मामले में ये है कि आप बिल्कुल एक तरीके से जो है वो है उसमें विश्वास रखते हैं, वायदों में या किसी तरह के प्रोमिसेस में आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ठीक है। कोई आप ये मानते हैं कि कोई लॉयल है तो उसकी एक टाइम वैल्यू होगी कि वो कब तक लॉयल है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप बिल्कुल एक ऐसा प्लान चाहते हैं जिसको फॉलो किया जा सके और अपने पार्टनर के साथ में, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ में बैठ के ये बिल्कुल आप प्लान आप बनाने के मूड में। ऑलरेडी आपने बहुत सारे लेसन सीख चुके हो और बहुत सारे लेसन आपका इंतजार कर रहे हैं। जितने लेसन अभी तक आपने सीखे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, उनको सबको लागू कीजिए और कॉमन सेंस और एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, राइट। बिल्कुल जो है चीज़ें सही समय पर सही जगह पर बिल्कुल अवश्य होंगी आपके लिए। टाइम अच्छा चल रहा है, अभी भी आप किसी भी तरह के जो है ग्रहों के तामझाम झंझटों से बिल्कुल अभी आप मुक्त लगते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए
लव का सेक्शन, प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है। तो भाई प्यार मोहब्बत में जो जो सिंह राशि के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बोले गए हैं कि, या वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं टाइम पर, या बिल्कुल जो है प्रेम का इजहार करते हैं जाकर के, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है। जबकि उनको देखा गया है कि वो काफ़ी वीर पुरुष होते हैं, काफ़ी जो है मतलब उनमें जो ब्रेवरी होती है वो बहुत अंदर तक होती है। उनसे जो है अगर आप कोई काम करने के लिए उनको बोलेंगे तो वो पक्का करेंगे बिल्कुल, और बहादुर होते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत में थोड़े से फुलिश होते हैं। ओके, और ये जो फुलिशनेस है ये सामने वाले को कई बार अच्छी भी लगती है। तो बढ़िया चीज़ है भाई, आप जो है यहाँ पर सही ढंग से इंजॉय कीजिए, और बढ़िया जो है यहाँ पर आपका समय चल रहा है। आप में से हो सकता है कुछ के बर्थडेज भी हों जून के अंदर, इंजॉय कीजिए। एंड हम बात करेंगे अब आपके लिए मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही है, आप एक अच्छी पेरेंटिंग में विश्वास रखते हैं। जो पेरेंटिंग आपको नहीं मिली वो अपने बच्चों को आप देना चाहते हैं, या आने वाली जनरेशन को आप उस तरह की पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आइडियल हो। तो ये जो है परिवार के अंदर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल पॉसिबल है, और वहाँ पर किसी भी तरह का जो है कोई रेजिस्टेंस हमको नहीं दिखता है किसी की भी तरफ से। आपकी मैरिड लाइफ भी शानदार चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती के मामले। यारी दोस्ती के मामले आपके शानदार चलेंगे। सिंह राशि वालों को जो है ईमानदार लोग पसंद होते हैं, लॉयल लोग पसंद होते हैं, और वो लॉयल लोगों की कदर करना भी जानते हैं, और फ्रेंडशिप में विशेष तौर पर। ओके, तो ये परिपाटी जारी रहेगी इस बार भी, और बढ़िया ट्रेडिशन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी फैमिली, परिवार की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता सिंह राशि वालों को जितना उनको मिलना चाहिए, और सिंह राशि के लोग जो है कई बार सारे काम बिल्कुल अपने आप अकेले भी करते हैं, किसी की तरफ वो हेल्प मांगने जाते नहीं है, बहुत ही खुददार तरह के लोग होते हैं, बहुत ही जो है आत्म उनमें जो है एक तरीके से हम बोलेंगे आत्मविश्वास, या जो है एक अपने लिए सम्मान आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है उनका। वो किसी से मदद मांगने नहीं जाते, चाहे वो फैमिली के अंदर हो चाहे वो फैमिली के बाहर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यही जो है परिपाटी इस महीना भी जारी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए ट्रैवल की, यात्राओं के विषय में। यात्राएं जो है बढ़िया लग रही हैं इस बार, और आप परिवार के साथ में या अपने ग्रुप के साथ में यात्राएं आपकी होने की संभावना पूरी है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम कैप्शन की। आपको देखकर किसी की आंखों में हजारों ख्वाब आ गए, लेकिन वो शायद आपकी कहानी में पात्र भी नहीं है और कुछ और भी है। भाई ऐसा देखा गया है कि आप जो है किसी की कहानी में सुपर हीरो हैं, आप किसी की कहानी के मेन लीड हीरो हैं या मेन लीड हीरोइन हैं, राइट, या मेन लीड आप ही हैं उनकी कहानी में, लेकिन वो आपकी कहानी में साइड हीरोज में या साइड हीरोइंस में भी नहीं है वो, राइट। वो आपकी जिंदगी में उनका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, और लेकिन आपको देखकर कोई ना कोई तो खुश जरूर होता है, आपकी तरक्की को देखकर खुश होते हैं लोग, और ऐसे लोग जो आपसे दिल लगाना चाहते हैं आपकी, और उन किसी की आंखों में आपको देख करके बहुत सारे प्लान उन्होंने बनाए, बहुत सारी जो है उन्होंने चीज़ें आसपास इकट्ठी की शायद आपको इम्प्रेस करने के लिए, और शायद आप कुछ इम्प्रेस हो भी आने वाले समय में आप इनसे। मैं आपको इनकी राशियां बता देता हूँ, ये राशियां हैं टॉरस वृषभ राशि वाले, और ये जो है आपके मिथुन राशि वाले, ये दो जो है आपके साथ में अच्छे तरीके से जुड़ेंगे, और इनकी ये लोग अच्छे भी होंगे। जो वृषभ राशि के लोग हैं वो बहुत ही बढ़िया तरह के लोग होते हैं, हालांकि आपको कैंसर कर्क राशि के लोग थोड़े से आपको जो है वैसे मिलेंगे वो, सॉरी, ये जो जेमिनी मिथुन राशि वाले भी जो है डिपेंडेबल अच्छे लोग होते हैं। तो वृषभ और मिथुन दो, ये दो राशियों में से आपको जो है कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आपकी कहानी में जो पात्र भी नहीं है वो कुछ और भी हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये एरीज मेष राशि वाले, और ये जो है लिब्रा तुला राशि वाले, और सजीतेरियस धनु राशि वाले, ये आपकी लाइफ में जो है एक स्थान तो रखते हैं, लेकिन आपकी मेन कहानी में ये कहीं पर भी नहीं है। आपकी कहानी में जो है वो शायद आपको उतना जो है अच्छे तरीके से होल्ड भी करते हों जितना आप चाहते हैं, लेकिन जो है आपको देख करके फिर भी कोई व्यक्ति जो है आपके लिए बहुत सारे सपने सजा करके बैठा हुआ है। अब आपको पसंद आए तो ठीक है,
नहीं पसंद आए तो आपकी मर्जी है, आप ना कर सकते हैं। नो इज वेरी पावरफुल वर्ड, ओके। नो नो जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड होता है, और नो का मतलब ना होता है, और ये दोनों को समझना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और ना का मतलब ना होता है, और किसी ने अगर आपको ना कहा या आपने किसी को ना कहा, उसको बिल्कुल सही ढंग से लीजिए एंड मूव ऑन, ठीक है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और ये जो हमारे स्पॉन्सर हैं artscrafted.com, इनकी वेबसाइट भी जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। गॉड ब्लेस यू।